नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि प्रभु श्री राम जी का नाम प्रभु श्री राम जी से भी बहुत बड़ा है। आज के इस क्रमांक में हम इसी तथ्य पर आपके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको प्रभु श्री राम जी के कुछ ऐसे सरल मंत्रों का अभ्यास आज के इस क्रमांक में सिखाएंगे, जिनका जीवन में प्रयोग करने से, नियमित जाप करने से आप अपने जीवन में सर्वार्थ सिद्धि योग को स्वयं ही स्थापित कर सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक पर और बात कर लेते हैं ऐसे ही दिव्य मंत्रों के विषय में। प्रभु श्री राम जी के जब नाम का हम उच्चारण करते हैं तो प्रभु श्री राम जी का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के नाम से संबंधित कई ऐसे मंत्र हैं जो कि सरलतम आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां जुड़ जाती हैं जिससे कि आपके जीवन के हर कार्य में आप सफल हो सकते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही दिव्य मंत्र। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले उस दिव्य मंत्र की जो कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित है और आपके जीवन में पग पग पर आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। आइए पहले सुन लेते हैं मंत्र और उसके बाद बताते हैं कैसे इसका उपयोग करना है। सबसे सरल मंत्रों की श्रेणी में ये मंत्र बहुत प्रमुख है। मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस इतना सा ये मंत्र है। इस मंत्र को यदि प्रतिदिन आप अपनी प्रातःकालीन या संध्याकालीन आरती के पश्चात करते हैं तो प्रभु श्री राम जी की जो अद्भुत कृपा और मन में जो शांति उत्पन्न होती है उससे आपका मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है और हर कार्य में आपका बहुत बहुत मन लगता है, जिससे कि आप हर कार्य में सही निर्णय लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे इसका उपयोग करना है। उपयोग करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रातःकालीन और संध्याकालीन आरती के पश्चात आप अपने मंदिर स्थान पर आसन पर बैठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का ये मंत्र का जाप करें। जाप करने से पूर्व आपको एक छोटा सा कार्य करना है कि सबसे पहले प्रभु श्री राम जी को आप सुमिरन कर लीजिए, हृदय से एक बार याद कर लीजिए। और वैसे तो मैं कहूंगा कि इस मंत्र को यदि ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें तो बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कम से कम जो संख्या है वो 51 आप रख सकते हैं। कम से कम आप 51 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप पाएंगे कि मन को बहुत शांति मिलती है इस मंत्र से। मन को शांति मिलने के साथ साथ आपके विचारों में एक दिव्य ऊर्जा आपकी आ जाती है, जिससे कि आप अपने हर कार्य में एकाग्रचित मन से बहुत सरलता से सफलता को अर्जित कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं दूसरे मंत्र के विषय में। दूसरा मंत्र भी सरलतम मंत्रों की श्रेणी में आता है और मंत्र पहले आप सुन लीजिए और फिर बताते हैं कि कैसे इसका जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है। मंत्र है श्री रामाय नमः। बस ये तीन शब्दों का जो मंत्र है श्री रामाय नमः, इस मंत्र की शक्ति को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मंत्र की शक्ति ऐसी है कि यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति या व्यवसायी व्यक्ति या कोई भी जन कहा जाए तो इस मंत्र का जब भी आप अपनी जीवा से जाप करते हैं, इस मंत्र को जब आप अपनी जीवा पर लेकर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके प्रत्येक वचन को बहुत बहुत सर्वशक्तिशाली बना देता है ये बहुत सरल सा मंत्र। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस मंत्र को अपनी पूजा कालीन आरती के पश्चात या तो प्रातःकाल कर सकते हैं या सायंकाल में जब आपकी आरती होती है तो उस समय भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मंदिर स्थान पर आसन बिछाकर बैठना है। आसन का जब चुनाव करना है तो पीले और लाल रंग का आसन बहुत बहुत उपयुक्त माना गया है। आसन पर बैठकर प्रभु श्री राम जी के छवि चित्र का मन में सुमिरन करके, स्मरण करके आप इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें।
एक बात का ध्यान आपको रखना है कि मन को बहुत शांत अवस्था में रखकर यदि आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपका हर मंत्र सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों की एक त्रुटि होती है कि जब भी मंत्र का जाप करते हैं तो मस्तिष्क में बहुत से इधर उधर के विचार चल रहे होते हैं, इससे आपको मंत्र उच्चारण का लाभ नहीं मिल पाता, जाप का लाभ नहीं मिल पाता। इस मंत्र को संख्यात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए, इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 121 की संख्या में करना चाहिए, क्योंकि मंत्र बहुत सूक्ष्म है लेकिन शक्तिशाली बहुत है। इसीलिए जितना ज्यादा जाप हो तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम की बात की जाए तो 121 की संख्या में अवश्य आपको करना चाहिए। इस मंत्र का यदि विशेष लाभ आप लेना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत बहुत उपयोगी आपके लिए मंत्र बन जाता है। और भी अगर इसको आप अपने जीवन में बहुत घनिष्ठता से जोड़ना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यदि इस मंत्र को निकटतम श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी के विग्रह के समक्ष यदि बैठ के करते हैं तो इससे आपको दोगुने लाभ इसके देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, और प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष यदि उनके प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप कोई व्यक्ति कर रहा होगा तो श्री हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता होगी। क्योंकि जहां जहां पर प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण हो रहा होगा वहां वहां श्री हनुमान जी का वास अवश्य आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस मंत्र का दोगुना लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस विधि से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत सिद्ध प्रकार से ये मंत्र कार्य करेगा। आइए बात कर लेते हैं तीसरे मंत्र के विषय में। अब देखिए तीसरा मंत्र और भी सरल है। तीसरा मंत्र क्या है पहले आप सुन लीजिए और फिर बताते हैं उपयोग कैसे करना है। तीसरा मंत्र है श्री राम शरणम ममः, यानी कि आप प्रभु श्री राम जी की शरण को प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम जी से आग्रह कर रहे हैं। ये मंत्र इतना उपयोगी और इतना दिव्य है कि प्रभु श्री राम जी को भी ये मंत्र बहुत बहुत प्रसन्न करने वाला आप कह सकते हैं। इसीलिए इस मंत्र को यदि आप प्रभु श्री राम जी के विग्रह के समक्ष, छवि चित्र के समक्ष यदि बैठकर करते हैं तो बहुत बहुत लाभ आपको इसके मिलते हैं। अब देखिए विधि आपको क्या करनी है। विधि बहुत सरल है, क्योंकि जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो हृदय से, मस्तिष्क से पूरी तरह से आपको बहुत ज्यादा मुक्त रहकर आपको ये करना होता है। अब आपको क्या कार्य करना है इसमें आप सुन लीजिए। इस मंत्र का जाप यदि प्रातः काल में जो पूजा होती है उस समय किया जाए तो ये मंत्र बहुत बहुत प्रभावशाली कहा जाता है। संख्या इस मंत्र की कम से कम 108 बार होनी चाहिए। 108 की संख्या में यदि इस मंत्र का जाप करते हैं, अब इससे आपको क्या लाभ होगा, इससे आपको दोगुने लाभ होंगे। पहला लाभ तो मंत्र जाप से आपको मिलेगा और दूसरा लाभ जो होगा कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। बहुत ही संकटों को हरने वाला माना गया है मंत्र जो है वो आपके मन में दिव्य प्रसन्नता को फैलाता है, जिससे आपकी जितनी भी चिंताएं होती हैं उनको आप स्वतः ही भूल जाते हैं और आपका मस्तिष्क बिल्कुल ऐसे कार्य करता है कि जैसे कि कोई दिव्य ओज आपके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा हो। तो जितना ज्यादा शांत आपका मन रहेगा उतना ज्यादा आपके कार्यों में निखार देखने को मिलेगा, इसीलिए आपके सभी निर्णयों को बहुत सटीक पाया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ वो दिव्य मंत्र जो कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित हैं। इन मंत्रों से आप अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि कोई प्रतिक्रियाएं हो तो अवश्य ही आप प्रेषित कीजिएगा और इन तीनों मंत्रों का विवरण आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर प्रेषित कर दिए जाएंगे और अपने जीवन में इन मंत्रों का जाप करके आप लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।